बंद कर दे, मैंने उसको बोल के नमाज पढ़, अफजल नमाज है। अगर अल्लाह के पास मांग, हर मुश्किल का हल सजदा है, तब तो आका हुसैन बता के कहे सजदा बड़ा अनमोल है तुम्हारे लिए, ना पैसे देने के है, ना उसमें कोई वजन उचकने का है, खाली नियत कर, वजूद से पाक रह के नियत कर ले। देख, जब अल्लाह कहता देने का लेने का हाथ में किसके, सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कोई कुतुब कलंदर भी नहीं दे सकता, ना ले सकता है। तो दाढ़ी वालों से तो कायम इतनी बड़ी दाढ़ी, बात नबी की मान मुसलमान, पीछे ना किसी के दौड़ मुसलमान। दाढ़ी वाले में कैसे कैसे पामाल आएंगे, कैसे ईमान को बचाया जाएगा। एक युग ऐसा आएगा तो कौम का दुश्मन कौम होगी, और माँ बहनें रोड़ों पे फिरती हो जाएगी, पर्दे नकाब और नमाज चली जाएगी औरतों के हाथों से। अल्लाह ने किया दौलत और औरत पर्दे में रखना, कहाँ है कोई औरत पर्दे में। जरा आदमी बाजार से निकला के तुरा टीवी देख रहे तीसरे घर पे, अरे टीवी घर में है, सब कुछ घर में है, तो अभी के मेरा वहाँ टाइम जाता है। अरे भाई, तेरे शोहर के साथ टाइम नहीं जाता, बात करती थी अखा दिन, तेरे बच्चों के साथ टाइम नहीं जाता, तो कुरान पढ़ वहाँ टाइम निकाल दे, नमाज पढ़ वहाँ टाइम निकाल दे, यासीन शरीफ पढ़ वहाँ टाइम निकाल। अगर तू पढ़े लिए, तेरे बच्चों को पढ़ा वहाँ टाइम निकाल दे, अगर तू पढ़े लिए, किसी नहीं पढ़े लिए तेरे घर में बिठा के उसको पढ़ा वहाँ टाइम निकाल। वहाँ बात ना करेगी, वहाँ गई थी ना वो, तो मुझे ऊपर से ऐसा देखता था, अल्लाह कहता मैं ऊपर से ऐसा देखता हूँ, तेरे ऊपर तो कितने सांप ने बिच्छू डालूंगा, तू कब्र में तो आ। अब सवार कहता है मैं जाता हूँ बाजार में, रोजी मिलती नहीं, अल्लाह ने क्या रोजी और रोटी औरत को देता हूँ, किसको देता हूँ, सिर्फ औरत को अल्लाह देता है, किसको देता है, मरद को। मरद के नसीब में अल्लाह ने क्या रखी है, औलाद। कितनी औलाद, तो अमुक को औलाद नहीं देता, ये जैसा भी इधर बच्चे को रुपया इतना सब, वहाँ औलाद नहीं दी अल्लाह ने, क्योंकि तेरे नसीब में औलाद नहीं।